आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है कि इन CrO हाइपोक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज +6 और स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है CrO5 हैज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इन विच परोक्साइड बॉन्ड आर प्रेजेंट, यानी इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। तो बात करते हैं CrO5 में, CrO5 में तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूँ तो प्लस एक्स प्लस माइनस का 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस 10, तो ये प्लस 10 यानी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस 6, तो यहाँ इस तो प्लस 10 आ रही है, तो जबकि इसकी प्लस 10 नहीं हो सकती क्योंकि इसमें क्या होगा, यानी अगर इसकी स्ट्रक्चर के कारण इसकी प्लस 10 आ सकती है, लेकिन यहाँ पे इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कैलकुलेट करने पे अगर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ रही है तो अपन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को किसके कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 होगी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे इसमें कौन से बॉन्ड थे, प्रोक्सी बॉन्ड या कोई इसकी स्ट्रक्चर के कारण था। तो क्रोमियम 5 की स्ट्रक्चर क्या होती है, Cr5 O डबल बॉन्ड O O ये हुआ। तो इसमें क्या होता है, यहाँ इसके कारण प्लस 1 आएगी, इसके कारण भी प्लस 1 आएगी, इसके कारण प्लस 1 और इसके कारण प्लस 1 और इसके कारण प्लस 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, प्लस के 6 हो गई। और जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, यानी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो यानी इसमें कौन सा, ये जो बॉन्ड होता है वो परोक्साइड बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कौन सा होता है, परोक्साइड बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड होगा वो क्या होगा, परोक्साइड बॉन्ड होता है। अगर अपन किसी भी एलिमेंट की अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ जाए तो अपन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कितनी कंसिडर करते हैं, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन प्लस 6 है और ये भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि इसकी प्लस 6 कैसे हुई, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसकी प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, आंसर ए इज करेक्ट। थैंक यू।